तो पैराबोला वाला पार्ट करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, पैराबोला वाला पार्ट करेंगे। पैराबोला होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हमने शेप, लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने शेप डिस्कस करी थी, उसमें पैराबोला वाली शेप थी जो इस तरीके की दिखती है हमारी, और उससे लास्ट क्लास में हमने सर्कल डिस्कस किया था। ठीक है, तो समझो ये बच्चों आपका एक प्लेन है, इसमें मैं ले लेता हूँ आपका कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट, मैं ले लेता हूँ आपका कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, और एक ले लेता हूं बच्चों मैं आपकी फिक्स्ड लाइन। क्या ले ली मैंने, फिक्स्ड लाइन ले ली। ठीक है, तो मैंने एक फिक्स्ड लाइन ले ली है, इस फिक्स्ड लाइन है ये मेरी, और एक मैंने एक्स एक्सिस पे फिक्स्ड पॉइंट ले लिया है। ठीक, अब मैं इस पॉइंट की बात करता हूं। सपोज ये एक पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट इस लाइन से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। अब फिगर में तो वैसा नहीं बन रहा है, रुको थोड़ा वैसे ही बना दे। तो सपोज ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट आपका इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है। इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस आपका लाइन से, लाइन से और आपके पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है। सिमिलरली ऐसे और भी पॉइंट्स होंगे, ऐसे और भी पॉइंट्स होंगे जिनका इस लाइन से और इस पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होगा। ऐसे और भी पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस इस लाइन से और पॉइंट से बराबर होगा। तो पैराबोला क्या है, ऐसे ही पॉइंट का अगर हम सम कर दे, ऐसे ही पॉइंट्स का अगर हम सम कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, पैराबोला। ऐसे ही पॉइंट का हम सम कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, पैराबोला। डेफिनेशन देखो बच्चों, अ पैराबोला इज सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड लाइन एंड एंड अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट, और जो फिक्स्ड पॉइंट है वो आपका फिक्स्ड लाइन पे नहीं होगा। ठीक है, वो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो फिक्स्ड लाइन पे नहीं होगा। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके क्या मिलता है हमें, पैराबोला मिलता है। हमें क्या मिलता है, ऐसे सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके पैराबोला मिलता है। क्लियर है, पैराबोला इज सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है ना, प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम क्या, दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम फिक्स लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये हमें पैराबोला मिल जाता है। ये फिक्स्ड लाइन जो होता है इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट जो होता है हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ये फिक्स्ड पॉइंट, पॉइंट जो लिया था हमने इसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस। फोकस, अब यहाँ पे फोकस क्या क्या कोऑर्डिनेट होंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट ले लेता हूं मैं ए कॉमा जीरो। क्या ले लिया मैंने, ए कॉमा जीरो। ठीक है, क्या ले लिया फोकस का कोऑर्डिनेट, ए कॉमा जीरो। ठीक है, तो पैराबोला इज सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंट, इन सब पॉइंट्स, इन सब पॉइंट्स को मिला के क्या बनता है, पैराबोला। ठीक है, ये पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, दे आर इक्वी डिस्टेंट होते हैं, सॉरी इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम प्लेन, सॉरी फ्रॉम फिक्स लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट। सपोज ये पी है, ये बी है आपका, और ये एफ है, तो पी बी इज इक्वल टू बी एफ। ठीक है, ऐसे ये पॉइंट ले लो आप, ये पॉइंट ले लो, तो ये भी इक्वी डिस्टेंट होंगे। ठीक है, इस पॉइंट की बात कर ले, ये भी इक्वी डिस्टेंट होंगे, तो इसको हम पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, पैराबोला की चार इक्वेशन होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस एक्स फोर एक्स वेरी गुड, x स्क्वायर इज एक्स इक्वल स्क्वायर टू इज फोर इक्वल ए टू वाई फोर ए वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई वेरी गुड। तो पहले हम एक डिस्कस में आपको समझा देता हूँ, ये 4ax आया कहाँ से, ये हमें बता दो सर, ये हुआ कैसे, 4ax आया कैसे, ये क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद तो एक अगर आपको समझ में आ गया तो चारों भी फिर वैसे ही होंगे। ठीक है, उससे पहले देख लो लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम भी मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, एंड एंड क्या बोला है, पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से पास कर रही है, जो फिक्स पॉइंट था जिसे हमने फोकस बोला था, फोकस होता है हमारा फिक्स पॉइंट, इस केस में ए कॉमा जीरो। पासिंग थ्रू द फोकस
एंड हूज पॉइंट्स एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला। तो क्या है लेटस रेक्टम? लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो क्या है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, फोकस से पास हो रही है, फोकस से आपके पास हो रही है बच्चों, और जिसके एंड पॉइंट क्या है पैराबोला पे है, जिसके एंड क्या पॉइंट क्या है पैराबोला पे। पैराबोला की अलग अलग शेप है तो सब में अलग अलग लेटस रेक्टम होंगे। जिस पैराबोला की ऐसी शेप है उसमें क्या होगा लेटस रेक्टम ये होगा जो फोकस से पास कर रही है, परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस है, और जिसके एंड पॉइंट क्या है एंड पॉइंट किस पे पड़ते हैं पैराबोला पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम ये समझेंगे ये इक्वेशन पैराबोला की कैसे निकालनी है हमने। ठीक है, तो पहले की केस देखो बच्चों आप, ये वाला केस देखो। ठीक है, इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूं। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन बनेगी कैसे हमारी। अब जितने भी हम केसेस लेने वाले हैं ना उसमें जो पैराबोला है वो पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है आपके ध्यान देना, ओरिजिन से पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है ओरिजिन, किससे पास कर रहा है ओरिजिन, ये आपकी वाई एक्सिस होगी नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस, और ये किससे पास कर रहा है ओरिजिन से। ठीक है, सपोज बच्चों अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ एम। ठीक है, ये फोकस भी ले लो इस पे आप, एक आप इस पे यहाँ पे फोकस भी ले लो। हाँ, कोई कुछ कोई पूछ रहा है एवंती फेलो प्रेजेंटेशन को क्या अनुराग कुछ इशू है, कुछ दिखा नहीं रहा, दिख नहीं रहा आपको एनी इशू, कोई सबको स्क्रीन दिख रही है ना बच्चों, किसी को कोई इशू? यस सर। ठीक है सर, ठीक है, तो ये समझ लो ये एक मैंने फोकस ले लिया है, यहाँ पे एक फोकस का पॉइंट ले लेता हूँ, ये रहा आपका फोकस एफ से फोकस। ठीक है, तो पैराबोला क्या होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट, ये आपकी फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन बोले तो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स। सर फोकस कहाँ लेते हैं, मतलब कहीं मैंने मान लिया इस पे, वो क्वेश्चन में दिया होता है, मैंने आपको समझाने के लिए कौन सी इक्वेशन बता रहा हूँ वाई इज इक्वल टू फोर ए एक्स, ये इक्वेशन कैसे आई। ठीक है, इस शेप के पैराबोला में आती है ये वाली इक्वेशन, जब ओपन टूवर्ड्स, जब पैराबोला का माउथ किस तरफ ओपन होता है एक्स एक्सिस की तरफ होता है। ठीक है, उस केस में ये वाली इक्वेशन होती है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, देख लो ये कैसे बनी। तो ये मान लो फोकस है एफ से, ठीक है, ये आपकी फिक्स लाइन है जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये ओरिजिन वर्टेक्स, ये क्या होती है आपकी वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है इसकी 0,0, जितने भी हम चार केसेस डिस्कस करेंगे बच्चों चारों में क्या रहेगी उसकी वर्टेक्स 0,0। अब मुझे एक बात बताओ, ये मैंने पॉइंट लिया है, सपोज ये पॉइंट मैं ले लेता हूं एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और ये पॉइंट है एम, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस और जो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस है क्या वो, एक मिनट, ये पॉइंट मैं ले लेता हूं एम जो कि है एक्स और वाई, इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होगा इक्विडिस्टेंट होगा, यस और नो, यही तो पैराबोला की डेफिनेशन है। पैराबोला क्या कहता है, पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड लाइन, और पॉइंट वो पॉइंट आपके फोकस से भी इक्विडिस्टेंट होगा, ये दोनों पॉइंट इसको मान लो हम मान लेते हैं पी, तो ये जो आपका पी एम है इज इक्वल टू एफ एम, ये कैसे पता चला आपको सर, ये तो हमारी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला यही कहती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला यही कहती है, जितने भी पॉइंट पैराबोला पे होते हैं वो फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से इक्विडिस्टेंट होते हैं। क्लियर है ये वाला पॉइंट, क्लियर है आप सबको। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स अगर ये डिस्टेंस आपका समझ लो ये फोकस मैंने ले लिया यहाँ पे ए कॉमा जीरो, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बच्चों इस केस में, कौन बताएगा व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक्स, माइनस ए कॉमा जीरो।
माइनस ए कॉमा जीरो, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कितना था बच्चों आपका, ये पॉइंट की बात करूं तो मैं, ये फिक्स्ड लाइन से पैराबोला का डिस्टेंस और ये फिक्स्ड लाइन इसी पॉइंट से यहाँ फोकस का डिस्टेंस, अगर फोकस का डिस्टेंस ए है तो यहाँ का भी डिस्टेंस ए होगा, बट पॉइंट कहाँ पे आएगा? नेगेटिव ए, नेगेटिव ए कॉमा जीरो, यही होगा डायरेक्ट्रिक्स, है ना? यही बताया आपने, नेगेटिव ए यस कॉमा सर। जीरो, ठीक है। अब जरा इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को बताओ, इस पॉइंट की क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? एक तो नेगेटिव ए होगा, एक तो नेगेटिव ए होगा, ठीक है, क्लियर है ये। और वाई वाले की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? वाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स और वाई लिया, बराबर डिस्टेंस के हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका? माइनस ए कॉमा वाई, ये समझ में आ गया सबको? अब कुछ नहीं करना है, इसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। मैंने बोला है पीएम इज इक्वल टू एफएम, पीएम निकालो क्या होगी वैल्यू, आपको पी और एम के दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, पी के भी पता है, एम के भी पता है, सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? एक्स माइनस माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, पूरे का स्क्वायर सॉरी, और ये कितना हो गया? वाई माइनस वाई का स्क्वायर, यही होगा। पीएम का डिस्टेंस निकालोगे, इस पी से लेकर एम तक का डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो ऐसे ही निकलेगा। ये कितना हो गया? एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस जीरो। सिमिलरली एफ एम निकालो बच्चों, एफ एम क्या होगा? एफ एम डिस्टेंस निकालो, ये होगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस ये आया वाई स्क्वायर। सर क्या बताया था? पीएम और एफएम बराबर होंगे, पीएम और एफएम बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे? पैराबोला की डेफिनेशन तो यही कहती है, पीएम और एमएफ या एफएम बराबर होंगे, यही कहती है ना। जितने भी पॉइंट्स पैराबोला पे लाए करते हैं वो डायरेक्ट्रिक्स से उनका डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस बराबर होता है, ये मैंने लिखा भी है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो आप, इक्वेट करो, इक्वेट करके बताओ क्या बनेगी इक्वेशन, पीएम और इसको इक्वेट कर दो, ये बनी आपकी एक्स प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करोगे रूट हटाने के लिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड करी हमने, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? एक्स प्लस ए का स्क्वायर, अब इसे खोल देना नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, अपने आप इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, ये बचा टू ए एक्स, ये टू एक्स भी इधर जाके क्या हो जाएगा? टू ए एक्स प्लस, तो वाई स्क्वायर कितना आ गया? फोर ए एक्स। तो इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, ये ध्यान दो, जिसका मुंह, जिसका माउथ किस तरफ ओपन है, इसका पैराबोला का माउथ किस तरफ ओपन है? इट इज ओपन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वो भी राइट राइट साइड पे ओपन है, राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस इसका माउथ ओपन है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, ठीक है, क्या बनेगी? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, ये निकाल दी आपकी, ठीक है। इसी तरीके से ये जब पैराबोला ऊपर की तरफ होगा तो अलग इक्वेशन बनेगी, एक मैंने आपको समझा दी है, इसी तरीके से चार होगी। आपको डीप में नहीं जाना, ये करना नहीं है, ये सिर्फ इसलिए समझाने के लिए थी कि हुआ कैसे, भाई मुझे ये तो बताओ ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स आई कैसे, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन भी आएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लेटस रेक्टम, ये क्या चीज है, ये जो लेटस रेक्टम है इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो लेटस रेक्टम में बच्चों एक चीज आप ये याद रखना, लेटस रेक्टम क्या होता है? अगर ध्यान दो अब आप, अगर ये फोकस है मेरा, फोकस ये है, ये इसी इस केस में देखो आप, अभी ऐसे हर केस में फिर लेटस रेक्टम बनेगा, इस केस में फोकस क्या है मेरा? ए कॉमा जीरो। तो क्या होता था लेटस रेक्टम? लेटस रेक्टम तो सर ये बताया था आपने, जो आपका फोकस से पास करे, परपेंडिकुलर हो टूवर्ड्स टू एक्स एक्सिस, और जिसके एंड पॉइंट क्या हो? पैराबोला पे, उसे लेटस रेक्टम कहते हैं। इस केस में लेटस रेक्टम की वैल्यू है 4a, लेटस रेक्टम है 4a,
इवन हर केस में लेटेस्ट रेक्टम 4 ही रहेगा, ये बच्चों याद रखना, अभी बताऊंगा। हर केस में लेटेस्ट रेक्टम आपका क्या रहेगा, 4A ही रहेगा। क्या अब हम ये देख लें कि लेटेस्ट रेक्टम आया कैसे, 4A कैसे बना, ये भी अगर आप समझना चाहो तो मैं बता सकता हूँ, अगर स्किप भी करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ लेटेस्ट रेक्टम आपका 4A आया कैसे, आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट रेक्टम हमारा 4A कैसे बना। ठीक है, अब ये समझो बच्चों, ये फिर से आपकी जो पर्पल वाली लाइन है ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। सेम जो अभी हमने पीछे किया था ना उससे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, ये मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे फोकस, यहाँ पे ले लेता हूँ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट्स है 1,0। आप ही ने बताया था ये डिस्टेंस, ये फिक्स लाइन से जितना डिस्टेंस होगा पैराबोला का और फोकस से डिस्टेंस वो बराबर होगा, तो अगर ये डिस्टेंस ए है आपका, तो ये डिस्टेंस ए है, तो ये भी डिस्टेंस ए होगा, डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ ए होगा, पॉइंट क्या होगा माइनस 1,0। ये पॉइंट फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं एक एक्स कॉमा वाई, जिसे मैं एम से डिनोट कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा। अब ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ना, ये यहाँ से परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, ध्यान रखना, क्या बना रहा हूँ परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, ध्यान रखना। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस ए कॉमा वाई। अच्छा, और क्या बताया था, लेटेस्ट रेक्टम फोकस से पास करेगा और परपेंडिकुलर होगा, इस केस में फोकस ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम बताना है तो थोड़ा फोकस पीछे ले लेते हैं, फोकस थोड़ा पीछे ले लेते हैं, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, फोकस से पास करता है ना, तो ये मान लो आपका फोकस है, तो इसमें भी क्या बताया था भाई, फोकस वाली ये लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है सर, परपेंडिकुलर होता ही, ठीक है। अब बन गया, बस हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ बच्चों मुझे, अगर ये फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन और पैराबोला, यहाँ पे PM इज इक्वल टू MF होगा कि नहीं होगा, यस और नो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो ये कहती है ना, फिक्स लाइन से जो पैराबोला पे आपका पॉइंट है उसका डिस्टेंस और फोकस का डिस्टेंस बराबर होता है, ये बात क्लियर है, यस yes? अब इसमें मुझे एक बात बताओ, और भी पॉइंट मैं ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं डी ले लेता हूँ बच्चों, इस पॉइंट को मैं ओ ले लेता हूँ, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। OF बताओ कितना होगा बच्चों, ओ से लेकर एफ का डिस्टेंस, आप क्या होगा सर ए, ठीक है। ओ डी का डिस्टेंस क्या होगा, ओ डी का डिस्टेंस सर ये भी डिस्टेंस ए होगा, ठीक है, ये भी डिस्टेंस डी होगा। डी एफ कितना होगा, डी एफ, ये पूरा डी से लेकर एफ तक, ये पूरा डी से लेकर, वेरी गुड, 2A होगा। अगर ये 2A है तो PM कितना होगा बच्चों, कोई भी बताओ PM कितना होगा, मैं सुनना चाहता हूँ। 4A, नहीं, PM कितना होगा सर, 2A होगा, वेरी गुड, PM 2A होगा, एक बच्चे ने बोला PM 2A होगा, कैसे 2A होगा बच्चों, ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है आपका, रेक्टेंगल बन रहा है सर, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो क्या बना, ये रेक्टेंगल बना ना, और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो PM क्या आ गया आपका, आप ही ने बताया PM क्या आ गया आपका, 2A आ गया, PM 2A आ गया, तो MF कितना हो गया, MF कितना हो गया, PM और MF तो बराबर था, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, यहां से लेकर ये पैराबोला के यहाँ तक का पार्ट, अगर ये वाला पार्ट 2A है आपका, तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, 2A होगा, 2A ही होगा ये वाला पार्ट भी, तो आप बताओ बच्चों, ये अगर मैं इस पॉइंट को Q ले लेता हूँ, तो MQ कितना हो गया, 4A
इंटू टू दैट इज 4a। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या रहने वाला है अपना, हर केस में 4a ही रहने वाला है, ये पॉइंट सभी बच्चे ध्यान रखना। अब हम चारों केसेस इस पे कवर करने वाले हैं और उसके बाद क्वेश्चंस। तो पहला केस तो आप सबको पता चल गया, जो जनरल इक्वेशन थी हमारी, है ना। यस इसमें क्या रहता है, इसमें इक्वेशन आपकी रहती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये तो मैंने आपको डिराइव भी करके दिखा दी। अब ध्यान देना बच्चों, हमें समझना कैसे है। यहाँ पे जब भी आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी होगी, क्या दी हुई है इक्वेशन में, राइट हैंड साइड पे एक्स दिया हुआ है। कैसा है एक्स? पॉजिटिव एक्स है। कैसा है एक्स? पॉजिटिव एक्स। तो पैराबोला किस तरफ बनेगा? एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है? नहीं, एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा। पैराबोला का माउथ किस तरफ होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। तो ये बना दिए पैराबोला का माउथ हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है? तो फोकस यहाँ पे ले लो कुछ भी आप, फोकस फोकस इस केस में क्या होगा? ए कॉमा जीरो। एक फोकस कहाँ पे होगा? हमारा एक्स एक्सिस पे होगा। फोकस यहाँ पे क्या होगा? ए कॉमा जीरो। अच्छा, फोकस पॉजिटिव है आपका, ए कॉमा जीरो है, तो डायरेक्ट्रिक्स पे वही पॉइंट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स पे वही पॉइंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स पे पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। वर्टेक्स क्या है यहाँ पे? हम हर चारों केस में ओरिजिन लेंगे, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगी? पैराबोला की वर्टेक्स पूछ रहा है, 0,0, ठीक है? ठीक है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। क्यों? क्योंकि इस पे पूरे पे माइनस ए ही रहेगा, ठीक है? और वाई तो क्या रहेगा? 0। तो माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। बस डायरेक्ट्रिक्स इतना समझना, अगर फोकस पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस पे, फोकस क्या था? एक्स एक्सिस पे सर पॉजिटिव ए है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। बस क्लियर है, ठीक है? ये हो गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम हर केस में 4a होगा, ठीक है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हर केस में ये होगा, लेटेस्ट रेक्टम ये वाला, ये 4a होगा यहाँ पे, ठीक है? एक्सिस भी पूछ सकता है, भैया एक्सिस कौन सी है? ये एक्स एक्सिस है, जहां पे पैराबोला बन रहा है। कौन सी एक्सिस है? वो एक्स एक्सिस, ठीक है? कौन सी एक्सिस रहेगी? जो राइट हैंड साइड पे आपको दी, वहीं पे जहां पे पैराबोला बन रहा है वही एक्सिस होगी, ठीक है? दूसरा केस देखते हैं, ठीक है? अब ध्यान दो, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ध्यान देना इसमें क्या है। सर एक्स एक्सिस पे बनेगा, पैराबोला कहाँ पे बनेगा? एक्स एक्सिस पे। क्या लगा हुआ है आगे? माइनस लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा। ये बना दिया नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पैराबोला, ठीक है? ये बना दिया हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पैराबोला हमने बना दिया, ठीक है? अच्छा, फोकस क्या रहेगा सर? फोकस हमेशा इस तरफ रहेगा। फोकस, फोकस का पॉइंट कहाँ से रहेगा? इस तरफ रहेगा। इस पॉइंट को क्या, इस पॉइंट पे क्या होगा? माइनस ए कॉमा जीरो, यही होगा। फोकस क्या रहेगा? यहाँ पे अगर फोकस माइनस ए कॉमा जीरो है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। एक्स की क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। एक्स इज इक्वल टू वर्टेक्स तो 0 0। लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम इस केस में भी लेटेस्ट रेक्टम, ये थोड़ा फोकस मैंने आगे बना दिया, ये लो पैराबोला को एक्सपेंड कर दो, तो लेटेस्ट रेक्टम इस केस में भी 4a ही रहने वाला है। एक्सिस पूछ ले, एक्सिस एक्सिस कौन सी है आपकी? एक्स एक्सिस, ठीक है? तो इक्वेशन देख के आपको समझ जाना है कि किस तरफ आपका पैराबोला बनेगा, ठीक है? क्लियर है ये बात? यहां तक किसी को भी कोई डाउट? एनीवन, किसी को भी डाउट? नो सर। ठीक है, एक मिनट मैं अटेंडेंस ले लूं फिर, ठीक है? नेक्स्ट वाला केस देखो, अभी भूल जाओ इसको, ये कहाँ है? अभी भैया इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इतना तो पता चल गया पैराबोला बनेगा किस पे? y एक्सिस पे बनेगा पैराबोला, ठीक है? पैराबोला का y एक्सिस पे बनेगा। अच्छा, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है, तो ये बना दो पॉजिटिव y एक्सिस पे, ये बना दिया हमने पॉजिटिव y एक्सिस पैराबोला, ठीक है? फोकस कहाँ रहेगा? फोकस हमेशा पैराबोला के आगे यहाँ पे रहेगा, कहीं पर भी ले लो, मैं मान लेता हूँ यहाँ बनेगा फोकस,
तो फोकस में आप क्या पॉइंट होंगे, फोकस का क्या पॉइंट होगा, 0, a, ठीक है, यहाँ पे x 0 है, a है, तो 0, a आपका फोकस होगा, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, माइनस ए, नहीं, y क्या था यहाँ पे, a, तो यूं बोलो डायरेक्ट्रिक्स होगी y इज इक्वल टू माइनस ए, उसमें क्या थी, हम x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू माइनस ए कर रहे थे, y इज इक्वल, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बनेगी, इस पॉइंट पे क्या होगा, 0, a, तो ये डायरेक्ट्रिक्स की अगर इक्वेशन पूछोगे आप, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस ए, ये ध्यान दे रहा है आपको, ठीक है बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस ए। लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम इस केस में भी क्या होगा, और ए ही होगा हमारा, ठीक है। एक्सिस कौन सी होगी, एक्सिस पूछेंगे तो आपसे, एक्सिस पूछेंगे अब लास्ट इसमें एक और है वो देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। अब ये वाला है केस, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब क्या है, y एक्सिस पे बनेगा सर, और आगे साइन क्या लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है, तो लगा दो, ये कितना बनेगा, नेगेटिव, यानी नेगेटिव x एक्सिस की तरफ इसका मूव बनेगा, पैराबोला डाउनवर्ड्स बनेगा, फेस का है पैराबोला का, माउथ का है डाउनवर्ड्स, ठीक है, बनेगा कैसे आपका नेगेटिव, ये बन गया इसी इक्वेशन में, नेगेटिव नीचे की तरफ पैराबोला बनेगा, तो फोकस कहाँ रहेगा बच्चों, यहाँ रहेगा फोकस का पॉइंट, रहेगा फोकस का पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, 0, a, यही होता है ना, यहाँ पे नेगेटिव होता है ना वाई पे, 0, a, लेटेस्ट रेक्टम वही 4a, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स ये 0, a है, तो ये कितना हो जाएगा, 0, a, दैट इज y इज इक्वल टू a, वेरी गुड, y इज इक्वल टू a, सब हो गया, वर्टेक्स तो 0, 0, क्लियर है ये, ठीक है, सब क्लियर। तो इक्वेशन देख के आपको हर चीज पैराबोला बताना है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, क्वेश्चन में पूछ रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताओ, एक्सिस बताओ, इक्वेशन बताओ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ। इक्वेशन दी हुई है आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a, हाँ वेरी गुड। पहले तो ये मुझे बताओ बच्चों कि ये पैराबोला का मुंह किस तरफ बनेगा सर, y एक्सिस पे पॉजिटिव, y एक्सिस पे पॉजिटिव साइड, वेरी गुड। ये क्या है भैया, पॉजिटिव है, y एक्सिस है, तो ये बना आप जी आपका पॉजिटिव y एक्सिस पे इसका, क्लियर है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, अच्छा ये तो आपने बना लिया, 0, 3/2। आप ऐसा करो जिस जिसका आंसर आता जा रहा है ना वो चैट पे लिखते जाओ, है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किस तरीके की इक्वेशन है, 4ay वाली इक्वेशन है सर ये, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, तो 4a की वैल्यू कितनी हो गई, 4a की वैल्यू हो गई 6, तो a कितना हो गया 6/4, दैट इज 3/2। फोकस कितना होता है इस केस में, व्हाट इज द फोकस, यहाँ पे लाई करेगा फोकस कहीं, फोकस होता है 0, a, यही होता है 0, a, तो फोकस हो गया 0, 3/2। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये डायरेक्ट्रिक्स तो यहाँ नेगेटिव y एक्सिस पे होगा, y इज इक्वल टू -3/2, बस इतना लिख देना, y इज इक्वल टू -3/2। लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, 4 into a, दैट इज 4 into 3/2, 6, वेरी गुड एवरी वन, जिन्होंने आंसर दे दिया वेरी गुड, गोपाल, अनुराग, शशांक, गरिमा, शश, गोपाल, ठीक है। एक्सिस कौन सी होगी, व्हाट इज द एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो, बताओ इसमें,
क्वेश्चन दिख रहा है सब? यस सर। इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एट एक्स, जिस जिसका आंसर है चैट में लिखते जाओ बच्चों, बहुत इजी है। फोकस होगा 0.2 टू कॉमा पैराबोला का होमो किस तरह बनेगा? एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव नेगेटिव। वेरी गुड, इसे बोलते हैं पैराबोला का लेफ्ट हैंड साइड पर बनेगा, ठीक है। ये लेफ्ट लेफ्ट हो गया, ये राइट होता है, ये वो अपवर्ड्स और ये डाउनवर्ड्स, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये वेरी गुड, बच्चों ने बता भी दिया। तो ये कौन सी इक्वेशन है? माइनस फोर ए एक्स वाली है। माइनस फोर ए इज इक्वल टू कितना? माइनस ए, ए कितना आया? टू। ए कितना आया? टू, ध्यान रखना है, ए कितना आया है? टू, यस और नो? किसी ने लिखा है तो अच्छा, फोकस क्या होगा? फोकस होगा सर यहाँ पे माइनस ए कॉमा जीरो। फोकस कितना हो गया? माइनस टू कॉमा जीरो। लेटेस्ट रेक्टम कितना हो गया? फोर इंटू ए, दैट इज फोर इंटू टू, एट, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स? डायरेक्ट्रिक्स क्या है यहाँ पे बनेगी? क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स कोई बताओ? अनुराग डायरेक्ट्रिक्स लिख रहा है माइनस टू। यस सर, माइनस टू। क्यों माइनस टू कैसे होगी? टू सर, टू सर एक्स इक्वल टू माइनस टू है ना, इसका प्लस टू। कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ एक्स क्या है यहाँ पे सर? नेगेटिव मतलब माइनस है, माइनस टू आएगा। क्यों आएगी माइनस टू बताओ? सर यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू माइनस ए है ना। एक बार बताओ मुझे सर, यहाँ पे एक्स का वैल्यू माइनस ए कॉमा जीरो है, तो माइनस ए इक्वल टू, एक मिनट, ये वाला है, कौन सा है इसमें? ये वाला है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है इस वाले केस में? यही होता है ना, यही होता है ना इस केस में, इतना क्लियर है ना, ध्यान देना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए होगा। ए कितना है? टू आया है आपका, एक्स इज इक्वल टू टू आएगा यहाँ पे, ध्यान देना, एक्स इज इक्वल टू टू। एक्स इज इक्वल टू माइनस टू नहीं है, ये माइनस फोर ए किसके बराबर है ये ध्यान दो, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये माइनस फोर ए माइनस एट के बराबर है, इक्वेशन को देख के ऐसा पता चलता है। माइनस फोर ए किसके बराबर है? माइनस एट के बराबर, तो दोनों को बराबर रख दिया, माइनस से माइनस कटा, ए की वैल्यू टू आई है, ठीक है। जब हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, इस इक्वेशन के हिसाब से बनाएंगे, तो ये क्या बना आपका? आपने फिगर उल्टा बना दिया। नहीं, फिगर उल्टा कहाँ बना है? इसका फिगर इधर होगा ना, इसका फिगर यहाँ का होता है। हाँ क्या बोल रहे हो सर? ए की वैल्यू माइनस टू होगी तभी भी तो यही आएगा। क्या ए की वैल्यू क्या होगी अगर ए की वैल्यू देखो माइनस एक बार, एक मिनट एक मिनट, ये देखो ये इक्वेशन थी, ए की वैल्यू जरा रखना माइनस टू, ये इक्वेशन क्या बन गई? एट एक्स बन गई ना। अगर हम इसके डिस्टेंस टू है यहाँ पे, ए माइनस टू है, ठीक है, ए टू है, सॉरी, ठीक है, ध्यान रखो आप, दोनों चीजों में फर्क है। जो आप कह रहे हो ना, अगर माइनस टू रखोगे तो इक्वेशन ये बनेगी, y square is equal to 8x, ये बनेगी equation,
ठीक है, वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अभी दो तीन क्वेश्चन देख करो, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी नेगेटिव में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नाइन वाई। पहले तो ये बताओ डायग्राम किस तरह बनेगा इसका। इसके जैसे इसका बना क्या ये बनेगा इसका डायग्राम। यस सर। ओ सॉरी भाई, ठीक है, ये बन गया आपका डायग्राम। अब फोकस का पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यही होगा ना फोकस का पॉइंट। यस सर। अच्छा, आएगा जीरो माइनस का नाइन बाय फोर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस फोर ए वाई, यही होता है। माइनस फोर ए किसके बराबर है, माइनस नाइन के बराबर। तो ए की वैल्यू क्या आएगी बताओ, कौन बताएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नाइन बाय फोर। वेरी गुड, ए की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान देना ये छोटे छोटे पॉइंट्स का। ए की वैल्यू नाइन बाय फोर है, ए की वैल्यू यहाँ पे नाइन बाय फोर, यहाँ पे नाइन जीरो कॉमन नाइन बाय फोर, ये और ये क्या हो गया जीरो कॉमा माइनस नाइन बाय फोर। फोकस क्या है, जीरो कॉमा नाइन बाय फोर। जीरो डायरेक्ट डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वाई इज इक्वल टू नाइन बाय फोर, यही है, यही है ना, डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नवे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट नहीं, डायरेक्ट्रिक्स की हमेशा ध्यान देना इक्वेशन होती है, वो एकदम पॉइंट बता रहा हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछिए तो वो क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू नाइन बाय फोर, जिसे आप आगे जाके ऐसे भी लिख सकते हो, वाई माइनस नाइन बाय फोर इज इक्वल टू जीरो, सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देना, बाकी तो आप सबको क्लियर है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, नाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये हम करेंगे, क्लियर है ना वो सबको, किसी को डाउट है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, अब ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, मतलब यूनिक तो नहीं है, उन सबसे डिफरेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, फोकस है आपका 6,0, डायरेक्ट्रिक्स है आपकी एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, तो बताओ इसका क्या बनेगा, क्या पूछ रहा है, इक्वेशन पूछ रहा है ना, इक्वेशन बताओ, बहुत इजी है ये तो, व्हाट इज द इक्वेशन। अरे डायरेक्ट्रिक्स है, एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स, फोकस है, किसी ने लिखी क्या, फोकस है आपका ये कितना दिया है, 6,0, यही है फोकस, यही है ना फोकस। पैराबोला की शेप किस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी, डायरेक्ट्रिक्स जब इस तरफ होता है, ये पैराबोला की शेप यही बनेगी, क्या होती है, गरिमा ने लिख दी, वेरी गुड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स होता है। ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है यहाँ पे, फोकस से निकाल लो आप भले ही, फोकस क्या होता है इस केस में, 1,0 होता है, तो ए क्या है आपका 6 है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था हमारा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए होता था इस केस में, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 6, तो ए क्या हो गया 6, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 6 24x। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन करो, क्लियर है सबको, ये क्वेश्चन करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, वर्टेक्स 0,0, फोकस y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x। व्हाट अबाउट अदर्स, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x, यानी ये यहाँ पे बन रहा है, यानी अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो मैं यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इज इक्वल टू a, यही होता है ना, इस केस में x इज इक्वल टू a ही होता है, डायरेक्ट्रिक्स यही होता है ना, a क्या होगा यहाँ पे 2, इक्वेशन क्या होती है इस केस में, 8x होगी माइनस 8x होगी, बताओ यहाँ तो कंफ्यूजन होगी, माइनस 8x पक्का, या 8x, कौन कौन 8x वाले हैं, 8x
कौन कौन एट एक्स वाले हैं, कौन कौन माइनस एट एक्स वाले हैं? वाला और सर एट एक्स माइनस माइनस एट एक्स, एट एक्स वाला कौन है, कोई है? यस सर, हाँ कोई है एट एक्स वाला जो कह रहा नहीं है कि एट एक्स बनेगी? सर फिगर तो इधर बनाया ना सर, तुम्हारे से एक होगा ना। सर फिगर बनाई है ना मैंने, फिगर से बताओ, देखो बताओ। फिगर तुम्हारे से एक होगा। पक्का? एक बंदे ने पहले पक्का अभी सर? एट भी बोली थी किसी ने। माइनस एट एक्स होगी, एट एक्स होगी। -8x। क्यों क्यों माइनस एट एक्स होगी, ये ध्यान देना आपको बच्चों। यहाँ पे क्या है, क्या बन रही है इक्वेशन आपकी, -4ax। ये होती है पैराबोला की इक्वेशन इस केस में, यही होती है। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 है, ये ध्यान देना। तो इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। क्लियर है? फाइंड द यस इक्वेशन ऑफ द सर। पैराबोला, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो अब आप कर ही लोगे, फटाक से बता दो, ये तो बहुत इजी है। बताओ जी कैसे बनेगा पैराबोला, ऐसे ही बनेगा ना? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यस सर, ऐसे ही बनेगा। फोकस भी हो गया, सब कुछ हो गया, क्लियर है? ये थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ये ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा अलग है ये। दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। कंडीशन है वर्टेक्स से पास कर रहा है, वर्टेक्स है उसका, सॉरी वर्टेक्स 0 0 है, पैराबोला तो पास ही करता है वर्टेक्स से, पासिंग थ्रू द, इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, एंड सिमेट्रिक विद द रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सिमेट्रिक, ये ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है इसमें, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस। व्हाट इज द इक्वेशन, सिमेट्रिक टू विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। क्या किसी को क्वेश्चन समझ में आया ये, किसी को नहीं समझ में आया क्या? मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। क्या कंडीशन है, पैराबोला की जो वर्टेक्स है वो तो ओरिजिन पे है, ठीक है, वो तो हमें भी समझ में आ गया, वर्टेक्स ओरिजिन पे है, बट ये वाला है, ये वाला है साइड है, कौन सा वर्टेक्स कौन सा है? पासिंग थ्रू द 5.5, 2, जो पैराबोला है ना उस, वो इस पॉइंट से पास कर रहा है 5.2, एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस मतलब उसका माउथ कहाँ है, वाई एक्सिस की तरफ है, तो वाई एक्सिस की तरफ या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, इन दोनों में से एक होगा कोई भी पैराबोला, है ना? सर ऊपर वाला, सर ऊपर वाला क्यों, वो क्योंकि ये वाला पॉइंट है 5.2, है ना? पॉजिटिव इसलिए। तो वो पॉसिबल नहीं है नीचे वाले में, तो नीचे वाला तो नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान देना आप। ये नीचे वाला केस हम नहीं हटा देते, ठीक है? तो ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे है कोई पॉइंट 5.2। अब बना दो इसकी इक्वेशन, अब क्या है, अब तो बता दिया ना, इक्वेशन क्या बनेगी, भाई बोरे भाई। बताओ। अब बच्चों यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो ऊपर मैंने एक फिगर ये बनाया हुआ है ना पैराबोला, पैराबोला क्या बनाया हुआ है, उस पर एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पैराबोला है, इस पैराबोला पे एक पॉइंट दिया 5/2। इसका क्या मतलब है, अगर ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है, इसका मतलब है ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है,
इसका मतलब है ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब पैराबोला की इक्वेशन तो ये है, ये जितने भी पॉइंट्स पैराबोला पे होंगे वो पैराबोला की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे ना बच्चों। तो ये देखो, ये पॉइंट रख दो इक्वेशन में, एक्स की जगह पे रख दिया मैंने 5 और स्क्वायर, 5 स्क्वायर हो गया, एक्स की जगह पे 5 रखा, 5 स्क्वायर, 4 इंटू ए, ए तो पता नहीं मुझे, ए तो मुझे पता नहीं, तो इंटू ए की जगह पे ए ही रख दो, वाई की जगह पे रख दिया 2, तो ये टू कितना हो गया, 25 8 8 ए की वैल्यू क्या आई, 25/8। बेटा। ठीक है, ये क्लियर है। अब अगर आपको ये वैल्यू पता ही चल गई है तो इसके बाद इक्वेशन बनानी क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 25/8, ए की जगह पे ये वैल्यू रख दो, ये बन गई आपकी इक्वेशन, ये कैंसल आउट हो गया 2 से, ये कितना हो गया 2x² इज इक्वल टू 25y, ये इक्वेशन आपकी बन गई। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं बच्चों, आप वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो और सभी बच्चे बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। अ विंडो इज इन द शेप ऑफ द पैराबोला, विंडो पैराबोला की शेप में है, विद अ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन इट, ट्रायंगल उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, ट्रायंगल इज फॉर्मड इन सच अ वे दैट द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल कोइंसाइड्स विद द वर्टेक्स, जो वर्टिस है, जो ट्रायंगल की वर्टिस होती है वो किससे कोइंसाइड कर रही है, वो आपकी पैराबोला से कोइंसाइड कर रही है, एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, और जो उसके एंड पॉइंट्स है वो लेटेस्ट रेक्टम से, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला भी गिवन है, विच टाइप ऑफ द पैराबोला इज रिप्रेजेंटेड इन द गिवन इक्वेशन। बहुत इजी है, पैराबोला तो सर बता ही सकते हो आप कौन सा है, ए बी सी डी, अपवर्ड बी ए बी सी डी, पैराबोला अपवर्ड एक्स एक्स वाई एक्स ओपनिंग अपवर्ड सर सी पार्ट। वेरी गुड, जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। सी हाँ सी ही होगा, वेरी गुड। ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24y, तो ये कितना हो गया, कौन से वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है ना, पैराबोला इसमें कैसा बनता है, ऐसा बनता है। अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कह रहा था, जो फोकस से आपका लेटेस्ट रेक्टम होते हुए जा रहा है, ये ट्रायंगल की वर्टेक्स क्या है, ट्रायंगल की वर्टिस क्या है, इसकी वर्टेक्स पे है, और ये दूसरी दोनों जो एंड पॉइंट्स है, ठीक है, इन सच अ वे दैट द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल कोइंसाइड्स विद द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, एक ही हो गया, एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो जो ट्रायंगल की वर्टिसेस है वो क्या है, एक तो वर्टेक्स पे है और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पे वर्टिसेस है और वर्टेक्स पे, तो ये कुछ इस तरीके की चीज बनी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब इसमें पूछ रहा है आपसे, बताओ व्हाट इज दी, एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, बहुत इजी था, बताओ, ये थी इक्वेशन, 24 वेरी गुड, ट्वेंटी ये होती है इक्वेशन, में लेटेस्ट रेक्टम तो 4a ही होता है, तो 4a इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई थी ना आपको, सर लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 4a होता है, और इनको कंपेयर करोगे तो 4a 24 आ जाता है। अब है एक और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखो। अब बीम इज सपोर्टेड बाई इट्स एंड विच आर 12 मीटर अपार्ट, ये दोनों पॉइंट कितने हैं, एक दूसरे से 12 मीटर अपार्ट है, यहाँ पे मैंने कुछ वेट रखा, ठीक है, सिंस द लोड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, सेंटर पे वेट रखा, बिल्कुल जस्ट सेंटर पे, सेंटर पे वेट रखा, देर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर, डिफ्लेक्शन हुआ सेंटीमीटर में, देर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर का, यहाँ पे मान लो डिफ्लेक्शन होता है, देर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर,
डिफ्लेक्शन हुआ है, ये पहले ऐसी थी अब ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, कितना डिफ्लेक्शन हुआ 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, एट द सेंटर, एंड द डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द शेप ऑफ द पैराबोला, और उसकी शेप क्या बन गई, पैराबोला। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, बच्चों बताओ इक्वेशन क्या होगी पैराबोला की, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप सोच रहे हो ये वन दो लाइनर में हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। तो ये कितना है आपका, 3 सेंटीमीटर ना। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, अगर कॉपी लेके बैठे तो सॉल्व करो इसको, बताओ व्हाट इज विल बी द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। चार ऑप्शंस भी गिवन है आपको, सर बी। एक बच्चा बोल रहा है बी, व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी बच्चे ट्राई करो बताओ क्या होगा। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ये डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, ये डिफ्लेक्शन सर 3 सेंटीमीटर का हुआ है। सर एक आंसर आया हमारे पास ए, एक आंसर आया बी, चेक कर लेते हैं, कोई नहीं। डिफ्लेक्शन कितना हुआ है बच्चों, 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, अगर ये मीटर में सर दिया हुआ है तो इसको भी जरा हम कर लेते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कितना होता है 1/100 मीटर, तो 3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 3/100 मीटर, यही हो जाएगा, तो ठीक ठीक है। कितना आ रहा है बच्चे, रहा है, तो ठीक आ रहा है, नहीं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन है सर, इसका ऑप्शन एस इक्वल टू 2 ठीक आ रहा है। हाँ भी चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/100 मीटर, 3 सेंटीमीटर को, ये सेंटर था, सेंटर था, और ये पूरा 12 मीटर का था, तो यानी ये वाला पार्ट 6 मीटर का और ये वाला पार्ट 6 मीटर का, यही हुआ, ये वाला पार्ट 6 मीटर का। तो इस पॉइंट की बात करते हैं अब हम, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, ये पैराबोला बन रहा है ना आपका, सर वेरी गुड, 6, एक तो ये हो गया 6, और ये क्या हो गया कॉमा 3/100। सिक्स अब पैराबोला की कौन सी इक्वेशन है, इस पैराबोला की इक्वेशन होती है x² = 4ay, यही होती है, और पैराबोला पे अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है आपका 6, 3/100, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जरा रख के देखो, 6² × 4 × a नहीं पता, y पता है 3/100, ठीक है, ऐसे कर लो मल्टीप्लाई, 36 × 100 × ये 4 3 12 यहाँ पे चला गया, तो a आ गया आपका, a कितना आ गया, 300 मीटर, कितना है 300 मीटर, a आ गया आपका 300 मीटर, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4 × 300 × y, जितनी हो गई 1200। वाई का वैल्यू पता है ना, थ्री वाई का वैल्यू 3 2 y कहाँ वन पता है, ये हंड्रेड इक्वेशन बता रहा हूँ बच्चे, मैं इक्वेशन बता रहा हूँ, सर टोटल इसको निकाल के ना सर, मेरे को 2 6 आ रहा है एस इक्वल टू। y निकालेंगे, क्या बोल रहे हो आप, y हमारा ये पॉइंट था, हमें एक पॉइंट ही तो पता है ना, इस पॉइंट पे y अलग होगा, इस पॉइंट पे y अलग होगा, इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे x अलग है y अलग है, इस पॉइंट की बात करूं तो x अलग है y अलग है, मैं ये कह रहा हूँ, हमें एक इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन हमारी है x² = 4ay, तो a की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल के रख दी, अब ये इक्वेशन है, अब इसमें कोई भी आप वैल्यू रख दो आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी एक्स और वाई की, क्लियर है ये पॉइंट, सुनिए ना, तो इसका जो वाई का वैल्यू 2/100 निकला है, आ क्या रहा निकला आपका, है वाई का वैल्यू 2/100 आ रहा है, कौन सा ये वाला,
3/100 लिखा जो मैंने, नो सर, एक वाई का वैल्यू आया है मेरे। वाई का वैल्यू कहाँ से, वाई का वैल्यू तो आप रखते जाओगे बेटा, इस पॉइंट पे अलग वैल्यू होगी वाई की, है ना। ये पैराबोला आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी पैराबोला की है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 वाई, है ना। अब इस पे आप एक्स की अलग वैल्यू रखते जाओ, जो भी आपके पास पॉइंट आएंगे यहाँ पे, सपोज इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कुछ और है आपके पास, तो वो इस इक्वेशन में रखते रहो, ये इक्वेशन है आपकी, ठीक है, व्हाट विल पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। अब जो भी आप पॉइंट्स रखते जाओगे वो वैल्यू आती रहेगी आपकी, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, सही है। ठीक है। ये इक्वेशन और पैराबोला है, ठीक है। इस इक्वेशन में आप एक्स और वाई की वैल्यू रखते जाओ, आपका आंसर निकलता रहेगा, क्लियर है। किसी को डाउट हो, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसमें एक और पार्ट है बच्चों, ये भी देख ही लेते हैं। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर, ये भी देख लेते हैं, ये भी समझा ही देता हूँ। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ये आपका 12 मीटर था, ये आपका 3/100 आया था, ये 6 मीटर था, ये 6 मीटर था। अब वो कह रहा हाउ फार फ्रॉम द सेंटर, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्ट होती अगर खाली 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्ट होती, ये अगर आपकी 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्ट होती तो हाउ फार फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना दूर था बताओ। ये मैं मान लेता हूं आपका ए बी, ठीक है, ये 0 हो गया। अब बताओ बच्चों, व्हाट हाउ फार फ्रॉम द डिफ्लेक्शन, ये तो निकाल सकते हो आप। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, ये 1 सेंटीमीटर नीचे हुआ है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स तो आपको पता नहीं, एक्स तो आपको पता नहीं होगा बच्चे, है ना, एक्स कॉमा 2/2 सेंटीमीटर ना, 2 सेंटीमीटर यानी 2/100, ये आ गया आपका, ठीक है। इक्वेशन क्या आती है हमारी, या ये थी पैराबोला की इक्वेशन जो हमने बनाई है, इसमें आप रख दो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जो आप बोल रहे थे ना एक्स स्क्वायर की वाली इक्वेशन थी पैराबोला की, हमने ये जो बनाई थी इसी में रख दो आप वैल्यू 1200 इंटू, आपको एक्स तो पता नहीं है, वाई रख दो 2/100, ये कितना आया 24, एक्स स्क्वायर आया 24, एक्स की वैल्यू क्या आएगी √24, ये कितना होता है √2/6 मीटर्स, यही चीज वो आपसे पूछ रहा था, ठीक है, यही चीज पूछ आपसे पूछ रहा था, डिफ्लेक्शन कितनी दूर होगा, इतनी दूर होगा, ठीक है, क्लियर है ये वाला कुछ, ये वाला पार्ट भी आपको, यस और नो, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही था बच्चा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, गुड नाइट एवरीवन, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लिप्स करेंगे, थैंक यू मैन, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में लिप्स करेंगे, ठीक है, बाय बाय, ठीक है, नमस्ते शिव जी, नमस्ते शिव।